मानसून पूर्व बिजली समस्याओं से निपटने के लिए विद्युत वितरण कंपनी ने कमर कस ली है। विभाग द्वारा लगातार मेंटेनेंस किया जा रहा है ताकि आम जनता को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। उज्जैन शहर में प्री मानसून के तहत 11 केवी और 33 केवी तथा उपकेंद्रों में बिजली विभाग द्वारा उक्त स्तर पर मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। बड़े शहरों में बारिश के मौसम की प्लानिंग की गई है। उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए बैकअप टीम काम करेगी। बिजली विभाग के ईई दादीची रेवड़िया ने बताया कि बारिश में आंधी तूफान के चलते लाइन अधिक फॉल्ट होती है तो शिकायतें भी ज्यादा आती हैं, इसलिए कंपनी के फोन बिजी हो जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए एडिशनल फोन कॉल की व्यवस्था कंपनी ने की है। जैसा कि उज्जैन शहर में अभी हम लोगों के द्वारा प्री मानसून के तहत लगभग सभी 11 केवी 33 केवी और उपकेंद्रों का मेंटेनेंस किया जा चुका है। और जैसे कि अभी कल दिनांक को जो अभी आंधी तूफान चक्रवात के कारण निसर्ग के कारण जो हवा आंधी चली थी उसमें भी जो है हमारी टीम द्वारा मुस्तैदी से जो है रात में भी सप्लाई को रिस्टोर तुरंत किया गया। और इस हेतु जो है कंपनी लेवल पे भी जो है एक क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत इंदौर उज्जैन और ऐसे शहरों में जहाँ बड़े शहर हैं उन शहरों में जो है प्लानिंग की गई है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के तहत जो है कि बैकअप टीमें और एडिशनल लेबर और ये जो है स्वीकृत की जा रही है जिससे कि कंज्यूमर को परेशानी ना हो और सप्लाई जल्द से जल्द बहाली हो और कंपनी की एक पॉजिटिव छवि जो है लोगों के बीच में रहे। क्योंकि जनरली क्या होता है जब भी ऐसी बारिश वगैरह आंधी तूफान आते हैं तो सप्लाई बंद होती है तो कंज्यूमर सारे कॉल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भी फ़ोन कॉल होते हैं वो बिजी हो जाते हैं और जिसमें कंज्यूमर को एक मैसेज होता है कि सर फ़ोन साइड में रख दिया या अन्य तरह की जो भी परेशानी होती है। मतलब बेसिकली ये समस्या होती है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत एडिशनल फ़ोन कॉल और ये भी सुविधा की गई है। 1912 जो है एक नंबर भी डिक्लेयर किया गया जिसमें भी शिकायत की जा सकती है। तो ऐसी कोई भी परेशानी आएगी तो विद्युत विभाग तत्पर है, तुरंत आपकी सेवा में हाजिर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।